दोस्तों, कामयाबी जो हर व्यक्ति को अपने जीवन में चाहिए होती है, आज हर व्यक्ति दौड़ भाग कर रहा है, मेहनत करता है, काम करता है कामयाबी के लिए, कामयाब होने के लिए दोस्तों। लेकिन कुछ ही लोग हैं जो कामयाब हो पाते हैं और कुछ लोग हैं जिन्हें नाकामयाबी का सामना करना पड़ता है। हम हमेशा ये सोचते हैं कि वो क्यों कामयाब हो गए, मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी थी कि मुझे कामयाबी नहीं मिली। ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, कई बातें हो सकती हैं, कई छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं जिन्हें हम भूल जाते हैं, जिन्हें हम अनदेखा कर देते हैं। दोस्तों काफ़ी समय बाद मैं वीडियो ये अपलोड करना स्टार्ट किया है। उसका एक छोटा सा रीज़न था सर, वो ये था कि 3-4 महीने से मैं अपने फैक्ट्री के कंस्ट्रक्शन में बिज़ी था, जिसकी वजह से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, समय नहीं मिल पा रहा था। अभी मेरी फैक्ट्री का कंप्लीट सेटअप हो चुका है, जो भी मशीनरी इक्विपमेंट सेटिंग करना था सारा कुछ आ चुका है। अब मैं आपको रेगुलर अपनी फैक्ट्री से ही बड़े बड़े बैचेस को बनाना सिखाऊंगा कि किस तरह से आप बड़े बैच में 100 लीटर 200 लीटर के बैच में प्रोडक्ट बनाना सीख सकते हैं हमारी वीडियोस के माध्यम से। दोस्तों हमने आपको इतना वेट कराया, आपको इतना इंतज़ार करना पड़ा हमारी वीडियोस का, इसके लिए मैं आप सभी लोगों को तहे दिल से क्षमा बोलना चाहूँगा, आप लोगों से सॉरी बोलूँगा। दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें हम 200 लीटर बैच का हार्पिक टाइप का टॉयलेट क्लीनर बनाना सीखेंगे। दोस्तों ये हमारा डीएम प्लांट है, जो कि बैटरी वाटर प्लांट बोल सकते हैं इसको। दोस्तों आज हम हार्पिक का बड़ा बैच बनाने जा रहे हैं, और ये हमारा ड्रम है जिसमें हमने 130 लीटर पानी ऐड कर दिया है, जो कि डिस्टिल वाटर है, आप देख सकते हैं। ये डीएम वाटर 130 लीटर उसमें हमने पानी ऐड किया है, और पूरा प्रोसेस आपको दिखाएंगे कि कैसे ये पूरा कम्प्लीट होता है। और बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी का हमारा टॉयलेट क्लीनर रेडी हो गया दोस्तों, तो आप वीडियो पे लगातार बने रहिए और पूरा आपको हम दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको सारी चीज़ें बनानी है, और आप भी अपने घर पर बहुत ही आसानी से ये हार्पिक टाइप का टॉयलेट क्लीनर बना सकते हैं दोस्तों, तो वीडियो पर बने रहिए। तो अभी हम ये मशीन जो है स्टेरर इसके अंदर डाल रहे हैं धीरे धीरे करके, ये हमारा मिक्सर इसके अंदर धीरे धीरे इस ड्रम में जाएगा। और इस ड्रम में जो है हमने सबसे पहले 130 लीटर पानी लिया है, और ये हमारा जो मिक्सर मशीन जो स्टेरर है ये धीरे धीरे आपके मिक्सर में आ रहा है, आप देख सकते हैं। दोस्तों हमारी फैक्ट्री में कुछ लोग काम सीखने आए हैं, तो उन्हीं लोगों के सामने ही हम अपना हार्पिक टाइप टॉयलेट क्लीनर का बैच बना रहे हैं और उनको भी सिखा रहे हैं, और साथ ही साथ आप भी सीख सकते हैं। दोस्तों इस तरह से हमने इस ड्रम में 130 kg, ध्यान से सुनिएगा, 130 किलो पानी इस ड्रम में डाल दिया है और अपना स्टेरर मशीन चालू कर दिया है। अब इसमें हमें स्लोली स्लोली एसिड थिकनर डालना है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अब हमें इसमें एसिड थिकनर डालना है। सबसे पहले पानी लेना है, सेकेंड में एसिड थिकनर लेना है। अभी हमारा ये एसिड थिकनर धीरे धीरे डाला जा रहा है, और हमारी जो मशीन है वो कंटिन्यू स्लोली स्लोली चल रही है। प्रॉपर हमारा ब्लेंडिंग हो रहा है पानी और एसिड थिकनर का। इसमें हमने पानी लिया है 130 लीटर, और एसिड थिकनर इसमें हम लेंगे 6 किलो, पूरा 6 kg। आप चाहे तो इसको टोटल वजन में लीजिए, या फिर टोटल आप इसको लीटर में लीजिए। एसिड लेना है आपको, पानी लेना है, या थिकनर लेना है, जो भी लेना है, सारी चीज़ें आप वेट में लेंगे तो बहुत ही अच्छा आपका रिजल्ट आएगा, बहुत ही अच्छा आपका टॉयलेट क्लीनर बनकर रेडी होगा दोस्तों। तो ये देखिए हमारा ये 200 लीटर का बैच तैयार हो रहा है, अभी इसमें थिकनर प्रॉपर मिक्स हो रहा है। आप इसकी ब्लेंडिंग की स्पीड दे सकते हैं, स्पीड हमें स्लो ही रखनी है, जितने भी हमारे थिकनिंग वाले प्रोडक्ट होते हैं। दोस्तों अभी तक हमने अपने ड्रम में 5 किलो एसिड थिकनर डाल लिया था, और बचा हुआ 1 लीटर उसको हम स्लोली स्लोली डाल रहे हैं आपके सामने, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों। तो अभी हमने इसमें पूरा 6 किलो एसिड थिकनर डाल लिया है, जो कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, और जिस पानी का जो कलर है ये वाइट हो गया है, आप देख सकते हैं। इस तरह से पूरा एसिड थिकनर हमें प्रॉपर अच्छे से मिला लेना है, मिक्स कर लेना है, ताकि कोई भी लंग्स इसके अंदर बचे ना, कोई भी थके ना जमे, प्रॉपर पानी के अंदर हमारा थिकनर अच्छे से मिल जाना चाहिए। चलिए आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं, देखना आ रहा। दोस्तों हमने अपने हार्पिक टॉयलेट क्लीनर में सबसे पहले पानी मिक्स किया, उसके बाद एसिड थिकनर मिक्स किया, अब तीसरे नंबर पर हम
बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो कि है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये HCl एसिड है 33% वाला और इसकी क्वांटिटी हम लोग ले रहे हैं 60 kg, जी हाँ 60 किलो टोटल। तो ये हमने अपने ड्रम में 60 किलो HCl एसिड को डाल लिया है और इसको अब धीरे धीरे मिक्सिंग करेंगे। हार्पिक का जो कंप्लीट है वो बन गया है, केवल इसमें हमें कलर ऐड करना है। दोस्तों आप चाहे इसी को दो रूप में यूज़ कर सकते हैं, एक तो विदाउट कलर या कलर चेंज करके इसको आप टाइल्स क्लीनर भी बना सकते हैं, और साथ ही साथ इसमें आप ब्लू कलर जो एसिड कलर आता है उसे यूज़ करके आप इसको हार्पिक टाइप का टॉयलेट क्लीनर भी बना सकते हैं। तो अभी हम इसमें एसिड कलर डाल रहे हैं, ध्यान रखिए इसमें केवल एसिड कलर ही पड़ेगा, दूसरा आप कोई भी कलर यूज़ करेंगे तो उसका कलर गायब हो जाएगा, वो इनविजिबल हो जाएगा। तो अभी इसमें हम लोग एसिड ब्लू कलर डाल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा डालेंगे। डालिए सर, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, जैसे मिक्स होता जाएगा फिर हम लोग इसमें ऐड करेंगे, फिर मिक्स होगा, फिर रेड कलर को देखते हुए इसको हमें मिक्स करना है। दोस्तों हमने अपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम हर संडे के लिए चालू कर दिए हैं। जिनको भी हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हमारे मशीनरी के साथ में सीखना है वो हमारे यहाँ पर ऑफिस में आके संडे के दिन सीख सकते हैं। और ये देखिए आपके सामने हमारा हार्पिक टाइप का टॉयलेट क्लीनर बनकर रेडी हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसको छोड़ देना है और छोड़ने के बाद आप देखेंगे इसमें जो भी बबल्स बने हैं वो सेटल्ड हो जाएंगे और उसके बाद आपका प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा थिक और बहुत ही हाई क्वालिटी का ये प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। दोस्तों इस फॉर्मुलेशन में हमने सबसे पहले 200 लीटर का बैच बनाया है, जिसमें कि हमने लिया है 130 किलो पानी, उसके बाद 6 किलो एसिड थिकनर, और तीसरा लिया है 60 किलो HCl एसिड, और साथ ही साथ में हमने इसमें 5 ग्राम एसिड ब्लू कलर डाला है पानी में मिक्स करके घोल कर, और ये हमारा बन गया है हार्पिक टाइप का टॉयलेट क्लीनर। दोस्तों इसको पैक करने से पहले आप 8 घंटे के लिए ऐसे ही सेटल करके छोड़ दीजिए, आपका हार्पिक टाइप का टॉयलेट क्लीनर शानदार बने। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी अपने कमेंट्स के थ्रू हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप जब कमेंट्स करते हैं तो हमारा हौसला और बढ़ता है इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए क्रिएट करने के लिए। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट मैं और करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। दोस्तों आगे जानने से पहले बस मैं वही बात आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप अपने चारों तरफ रखिए साफ सफाई, अपना हमेशा बहुत ख्याल रखिए, और उससे भी ज़्यादा अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखिए दोस्तों, क्योंकि आज उनको आपका ही सहारा है। दोस्तों खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। आई लव यू ऑल। मैं सुनील कुमार पाल आपके सुंदर भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद।